तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो का शुरू में इंट्रो देखा, उस तरह का इंट्रो आज हम बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से बनाएंगे और काइन मास्टर की मदद से अच्छा एक इंट्रो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले से ही हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना काइन मास्टर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काइन मास्टर बहुत ही अच्छा है, इसमें 4K तक वीडियो मतलब कि एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू पर एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ से यूट्यूब का जो रेशियो है उसे ले लेना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर फ्रेंड्स, आपका सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ जो मैं इंट्रो का मतलब यूज करने वाला हूँ उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक टेम्पलेट को ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा इंट्रो है, इंट्रो आ चुका है। तो इंट्रो का जो टाइमलाइन है ठीक, हम यहाँ पे 2.2 में कर लेते हैं, यहाँ पे इस जगह रख देंगे। और यहाँ से हम लेयर में चला जाएंगे और अपना जो चैनल का लोगो है, लोगो को यहाँ से हम लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना चैनल को एक बार क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्रॉप वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसे एनेबल कर लेना है और इसे एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसे राउंड साइज में ले लेना है, इसे ओके कर लेना है और इसका इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम फिर से यहाँ पे लेयर में जाएंगे और यहाँ पे स्टिकर में जाएंगे और यहाँ से हमें स्टिकर हम ले लेंगे। अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको बहुत सारा स्टिकर आपको अच्छा अच्छा मिल जाएगा। तो फिर आपको इस जगह पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोड लेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारा स्टिकर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो स्टिकर हम लेने वाले हैं वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला स्टिकर हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसीलिए मेरा यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ इंस्टॉल पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता। और फ्रेंड, इस राउंड वाला जो स्टिकर है उसको हम यहाँ से ले लेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे सेट हो गया दोनों को। दोनों को इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, दोनों को मिला लेना है और यहाँ से इसे ओके कर लेना है। जो हमारा चैनल का लोगो है, लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ से इसको इन एनिमेशन दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप के नीचे जो एनिमेशन है उसको यहाँ से दे देना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ जो स्टिकर है, स्टिकर पे एक बार क्लिक करना है और इस पर भी एनिमेशन दे देना है। तो उसके लिए आपको इस जगह पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर से आपको नीचे पे आना होगा और वही वाला एनिमेशन इस पर भी दे देंगे। फिर से यहाँ से ओके कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन को इस तरह कर लेंगे, इतना में इतना पे कर लेते हैं। और फिर से यहाँ पे लेयर में जाएंगे और फिर से स्टिकर में जाएंगे और यहाँ पे सेकंड वाला जो स्टिकर है उस पर क्लिक करेंगे और ये वाला यहाँ से ले लेंगे और इसे यहाँ पे ओके कर लेंगे। और फ्रेंड्स, फिर से नीचे वाला जो अभी हमने लगाया उस स्टिकर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इसे स्किन कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिर से लेयर पर जाना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे टैक्स पे आना है और यहाँ पे अपना जो चैनल का नाम है, चैनल का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसका जो टैक्स है, टैक्स को हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डबल ए पे टैप करना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोबोट ब्लैक, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से बैक आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको इस पर भी एनिमेशन लगा देना है, तो इस पर इन एनिमेशन में क्लिक करना है, उसको यहाँ से फेड पर रहने देता है और यहाँ से इसे ओके कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो आपका चैनल का लोगो है, लोगो का टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसका भी टाइमलाइन को बड़ा कर लेते हैं और टैक्स का भी टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा इंट्रो किस तरह बना। तो हमारा जो लोगो है, लोगो थोड़ा सा पीछे रह गया, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसको भी यहाँ पे इस बढ़ा लेंगे। तो और एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इंट्रो है, इंट्रो बन के तैयार हो गया और इसे अपना गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं एरो का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है
और यहाँ पे आप कोई भी साइज में अपना सेव कर सकते हैं। तो यहाँ 1080 में ही रहने देते हैं और यहाँ से सेव वाला बटन में क्लिक करके इसे यहाँ से सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।